माताजी मंच पर आई। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब छोटा था माताजी, तो मैं एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था। हमारे कस्बे में पहली बार अंग्रेजी स्कूल खुला। अंग्रेजी स्कूल मतलब गुड मॉर्निंग मैडम, गुड इवनिंग मैडम, है ना। घर पे आके बच्चा शटअप बोलने लगे तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ, पहले सब टाट पट्टी वाले में पढ़ते थे। हम पहले अंग्रेजी स्कूल में भेजे गए, तो उन दिनों रबड़ जो आती थी वो नटराज की आती थी, लेकिन एक नई रबड़ आई थी जो प्लास्टिक के छोटे छोटे पशु पक्षियों के बीच में रख के आती थी। देखी होगी शायद कुछ लोगों ने, गेंडे के बीच में, हाथी के बीच में, जिराफ के बीच में। मेरे को वो रबड़ बड़ी पसंद थी, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि दूसरी क्लास में था मैं, कि मुझे रबड़ दिला दो। पांच भाई बहन, दो बुआ रहती थी घर पे, एक चाचा पढ़ता था, एक तनख्वाह, कम में काम चलाना होता था। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, ये बहुत महंगी है। 2 रुपए की थी वो रबड़, और नटराज की रबड़ 15 पैसे की आती थी। उन्होंने कहा इसी से काम चलाओ, मिटाना ही तो है। नहीं मिली। 2-3 दिन बाद मैंने मेरी ही डेस्क पर बैठने वाले एक लड़के की रबड़ चुरा ली और मैं उसे घर ले आया। इस हॉल में बैठे हुए सारे लोगों, मुझसे वादा करो कि आज आप अपने इस स्थापना दिवस पर इकट्ठे हुए हो, आज के सही 5 साल बाद जो स्थापना दिवस होगा, जहां टर्नओवर आज खड़ा है, इसके कम से कम 50 गुना से कम हुआ तो आप अपराधी हो, और ज्यादा हुआ तो मैं विजेता हूं। हमारी विजय तब है, क्योंकि एक स्थिति के बाद इस पैसे का इन्हें तो कुछ करना नहीं, तुम्हें भी नहीं करना। 10 बार सब जानते हैं, पहले लगता था कि साहब वो घड़ी विदेश से ले आओ, चप्पल विदेश से ले आओ, अब कुछ नहीं है। अब तो 10-12 करोड़ कमाओ, वही जीवन जियोगे तो 10,000 करोड़ जीने वाला जी रहा है। सोने का बिस्कुट थोड़ी खाओगे, और बल्कि जिसपे नहीं है वो ज्यादा अच्छा खा रहा है, जिसपे है उससे पूछो। आलू मत खा, चीनी मत खा, है ये मत पी, कोलेस्ट्रॉल ऊपर है कि नीचे है, शुगर हो गई कि ये हो गई, रोटी में भी सीधी रोटी नहीं खाई जा रही, इसमें चना मिला ले, सोयाबीन मिला ले, ओट मिला ले, बाजरा मिला ले, 8 तरह के अनाज पीस के खाए जा रहे हैं। इसका मतलब अपने लिए तो नहीं जी रहे हो, किसके लिए जी रहे हो? जो इस कंपनी में काम करने वाले 5,000-10,000 लोग हैं उनके लिए जी रहे हो। अपना तो हो चुका। सोफे पर बैठे हुए लोगों, तुम्हें जो कमाना था तुमने कमा लिया, अब यहां से आगे भगवान का काम कर रहे हो। इसलिए जिस आत्मा के साथ केदारनाथ में जाके माथा झुकाते हो ना, उसी आत्मा के साथ अपने केबिन में बैठकर इस कंपनी के लिए काम करना, यही सोच के काम करना कि भगवान के काम के लिए आया हूं। ये देश सरकारों से नहीं बना, ये देश नेताओं और पार्टियों से नहीं बना, ये देश मेरे और आपके जैसे लोगों ने बनाया। इसे मैं कहता हूं एकात्म पराक्रम। हमने अकेले ने पराक्रम किया। कोई मराठी के प्रोफेसर का लड़का बल्लेबाज बन गया, कोई ओमान के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला एक गुजराती आया, वो धीरूभाई अंबानी बन गया, कोई बड़नगर स्टेशन पे अपने बाप की चाय के कप पकड़ाने वाला लड़का देश का प्रधानमंत्री बन गया, कोई मठ में सुबह दोपहर शाम गोरख मंदिर में पूजा करने वाला एक योगी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, संघ की शाखा लगाने वाला एक प्रचारक आपके हरियाणा का मुख्यमंत्री बन गया, एक सामान्य अध्यापक का 5वां बच्चा कवि कुमार विश्वास बन गया। ये सब सरकारों की योजनाओं के काम नहीं थे, अकेले एक आदमी ने मेहनत की। उन्होंने नोएडा में खड़ा कर दिया, उन्होंने गुड़गांव में खड़ा कर दिया, पूरा भारत पड़ा हुआ है। देश के सारे सी कैटेगरी के शहर ए होना चाह रहे हैं, पूरा कंट्री प्रतीक्षा कर रहा है, कोई जगह छोटी बची ही नहीं है। हर शहर में नेटफ्लिक्स है, हर शहर में बड़ी गाड़ियां हैं, हर शहर में 5G पहुंच गया है, हर शहर में इनके साथ जो व्यसन होते हैं वो भी पहुंच गए हैं, और लोगों की घर में रहने की जो शौक है वो बढ़ गया है। जितना एक अच्छा मकान नोएडा में ये बैठे हैं बनाने में, जो कि मैंने बनाया इसने बताया, नोएडा में अच्छा मकान बनाने में जितने पैसे
एक रायचंद लेता, रायचंद जानते हो, रायचंद आर्किटेक्ट, वो रायचंद है, वो बताता कि इधर से ऐसा होना चाहिए, इधर से ऐसा होना चाहिए, उसका अपना एक्सीलेंस है, उसकी अपनी कारीगरी है, वो एकदम सही बताता है, खुद में कभी नहीं बनाना चाहिए, उसी के काम से बनाना चाहिए, क्योंकि पहले तो आदमी ऐसे ही बना लेता था, इधर बाथरूम निकाल दे, खराब बनता था घर। जितने पैसे एक बनाने की राय देने वाला आर्किटेक्ट लेता है, उतने में आज से 10 साल पहले पूरा मकान बनता था। अगर आपको अच्छा घर बनाना है 10-20 हजार स्क्वायर फिट का, तो उसमें जितने पैसे आर्किटेक्ट आपसे लीगल ले लेता है, वेंडर से ना भी ले तो भी उतने पैसे में घर बन जाता था। यानी कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, लोग तेजी से लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आ रहे हैं, और मिडिल क्लास से अपर क्लास में आ रहे हैं, अपर से हायर अपर क्लास में जा रहे हैं, और हायर अपर क्लास में फिर लोन लेके विदेश भाग रहे हैं। ये पूरा सिस्टम है। किस संस्कार और परिवेश से हिंदुस्तान के लोग निकले थे, और इन बड़ी राजनीति में बैठे हुए लोगों ने, इन बड़े जिसे कहते हैं व्यसनी लोगों ने, लालची लोगों ने देश का मानक बदल दिया। साहब गांव में बूढ़ा मरता था, गरीब बूढ़ा 80 साल की उम्र में, बड़े बेटे को कान के पास बुला के फुसफुसाते हुए कहता था 15 रुपए महेंद्र के भैया उसके दे दियो, बोलता था 30 रुपए बागपत वाले फूफा जी के उनके दे देना फल। वो ये चाहता था कि किसी का एक पैसा लेकर मैं मर ना जाऊं। मुझे कहते हुए इस बात पर रोमांच हो रहा है, मैं भावुक हो रहा हूं। हम इस संस्कृति से चले थे जहां मरने वाला बूढ़ा भी बुढ़िया भी कहके जाती थी, बुढ़िया कहके जाती थी बहुओं से कि लाली तेरी मौसी की जो बहू है उससे मैंने एक बार साड़ी ले ली थी, वो मेरे साथ चली आई थी, उसकी साड़ी वापस कर दी हो। ये हमने संस्कार बनाया था। और आज जो जितना ज्यादा पैसा मार ले सरकार का, वो उतना ज्यादा महान, वो उतना ज्यादा अच्छा। तो ये जो वायरस है, चरित्र का वायरस, ये जो नुकसान करेगा, ये कोरोना भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोरोना तो शरीर को ही मारता था, ये तो आत्मा को मार देता है। ये जो लालच आया है कि जो तिरंगा लेकर चले थे वो दारू की बोतल लेकर मिले, ये क्यों आया है? सोचो आप, इसमें ऐसा क्यों आया होगा? मैं तो बचपन से साथ हूं, क्योंकि बचपन में इनको ईमानदार बनाने में, इनकी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। माता जी मंच पर आई, मैं आपको बताता हूं, मैं जब छोटा था माता जी, तो मैं एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था, हमारे कस्बे में पहली बार अंग्रेजी स्कूल खुला। अंग्रेजी स्कूल मतलब गुड मॉर्निंग मैडम, गुड इवनिंग मैडम, है ना, घर पे आके बच्चा शटअप बोलने लगे तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ, पहले सब टाट पट्टी वाले में पढ़ते थे, हम पहले अंग्रेजी स्कूल में भेजे गए। तो उन दिनों रबड़ जो आती थी वो नटराज की आती थी, लेकिन एक नई रबड़ आई थी जो प्लास्टिक के छोटे छोटे पशु पक्षियों के बीच में रख के आती थी, देखी होगी शायद कुछ लोगों ने, गेंडे के बीच में, हाथी के बीच में, जिराफ के बीच में। मेरे को वो रबड़ बड़ी पसंद थी, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि दूसरी क्लास में था मैं, कि मुझे रबड़ दिला दो। 5 भाई बहन, 2 बुआ रहती थी घर पे, 1 चाचा पढ़ता था, 1 तनख्वाह, कम में काम चलाना होता था। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, ये बहुत महंगी है, 2 रुपए की थी वो रबड़, और नटराज की रबड़ 15 पैसे की आती थी। उन्होंने कहा इसी से काम चलाओ, मिटाना ही तो है। नहीं मिली। 2-3 दिन बाद मैंने मेरी ही डेस्क पर बैठने वाले एक लड़के की रबड़ चुरा ली, और मैं उसे घर ले आया। शाम को होमवर्क के लिए बैठा तो रबड़ दिखाई दी, हाथी के बीच में रबड़। तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा ये क्या है? तो जब आप चोरी करते हैं तो फिर बहाना ढूंढते हैं, एक अपराध करिए तो दूसरा फिर करिए। मैंने कहा वो लॉन में पड़ी हुई थी, मैंने कई बच्चों से पूछी, किसी की थी नहीं तो मैं ले आया। वो चुप हो गई। रात को जब मैं उनके पास सोने गया, मैं उन्हीं के पास सोता था, सबसे छोटा था, लाड़ला था, तो उन्होंने मुझसे कहा उठाओ अपना सामान, बड़े वाले भाई के कमरे में जाके सो। मैं रुआंसा हो गया, छोटा बच्चा 7-8 साल का, 6 साल का रहूंगा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा वो जो रबड़ जिसकी लेके आया है ना, कल उसकी रबड़ वापस दे आना, फिर मेरे पास आके सोना। अगले दिन मैं गया, वो बच्चा जहां बैठा हुआ था मैंने वहां रबड़ गिरा दी, और मैंने उससे कहा कि अरे अंकुर तेरी रबड़ गिर गई,
उसने कहा, अरे मैं तो कल से ही ढूंढ रहा था इसे, तब मैं वहां वापस सो पाया। अगर उस दिन उस रबड़ को मेरी माँ ने कहा होता कि बहुत अच्छा, अब इसे स्कूल मत ले जाना, पता ना चले किसकी है, तो मैं भी वहीं विश्राम कर रहा होता जहां मेरे साथ बचपन में पढ़ा हुआ एक आदमी विश्राम कर रहा है। कृष्ण जन्म स्थान में मैं भी वही आराम। पर मुझे 1.5 साल उस सरकार को चलाते समय भी पता था कि मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं इसका कस्टोडियन हूं। इस कंपनी में काम करते समय इसके चेयरमैन और इसके कार्यकर्ताओं के बीच एक भाव रहना चाहिए कि हम इसके मालिक नहीं है, हम इसके कस्टोडियन हैं, हम मुनीम हैं, सेठ नहीं है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजवंश मेवाड़, वहां के महाराणा भी राजा नहीं लिखते, दीवान लिखते हैं, दीवान। वो कहते हैं राजा तो मालिक तो एकलिंग भगवान है, हम उसके मुनीम है कि इतनी जमीन दी है, इतना लगान आया, इतने खर्चे में हो गया, इतने यहां चला गया, इतने वहां चला गया। तो यहां बैठे हुए लोगों, पिछले 1.5-2 घंटे में मैंने जो बात बताई उनका हल केवल तभी निकल सकता है जब आने वाले कल में इस देश का जो नया सपना, इस देश की सरकार, प्रधानमंत्री, पूरे देश के सारी पार्टियों के लोग, सिद्धहस्त लोग, धार्मिक लोग, सामाजिक लोग देख रहे हैं, उस सपने में अगर थोड़े से ख्वाब आपने भी जोड़ दिए, तभी आप हिंदुस्तानी कहना के लायक हो जाओगे, भारतवासी कहलाने के लायक।